सामाजिक परिवर्तन मंडल द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने कोका में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। सामाजिक परिवर्तन मंडल एवं श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वावधान में हाउसिंग बोर्ड कोका में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। संगोष्ठी सभा में विभिन्न क्षेत्रों से आए वक्ताओं ने बाबा साहेब की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। देश को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने उपस्थित लोगों को बाबा साहेब के आदर्शों जीवन मूल्यों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि बाबा साहेब उन सभी लोगों के प्रतीक थे जो शोषित थे। आयोजन को लेकर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अरुण कुमार श्रीवास्तव और सामाजिक मंडल के सरोज मेश्राम ने जानकारी दी। जय भीम, जय छत्तीसगढ़। परिवर्तन मंडल द्वारा, सामाजिक परिवर्तन मंडल द्वारा आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर भारत को, हमारे देश को एक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक कार्यक्रम का यहाँ पर कोका में शुरुआत किया गया है। यह इस परिवर्तन मंडल के द्वारा किया गया प्रथम कार्यक्रम है जिसमें श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन मिलकर यहाँ पर इनके साथ में ये कार्यक्रम कर रही है। वास्तव में क्या बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान क्या वहीं तक है, क्या उसकी प्रासंगिकता आज तक नहीं है? क्या हम बाबा साहब को सिर्फ संविधान के दायरे में देखते हैं? संभवतः यह सही नहीं है। जब आप बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो किसी वर्ग के नहीं होते, वो सारे भारत के होते हैं। उन्होंने ही कहा था संविधान की परिदेशिका में, उद्देशिका में, हम भारत के जहाँ हम सब दाता है, यकीन मानिए हम सब साथ हैं। वो उन सभी लोगों के प्रतीक थे जो शोषित थे, वो उन सभी लोगों के प्रतीक थे जो लड़ना चाहते थे, और उन्होंने लड़ने के लिए एक हथियार दिया, उन्होंने बचने के लिए एक हथियार दिया, और वो हथियार था भारत का संविधान। यकीन मानिए यह संविधान उस दिन भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज प्रासंगिक है। सामाजिक परिवर्तन मंडल द्वारा किए गए इस कार्यक्रम का श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन तहे दिल से आभार प्रकट करती है और उन सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। अपना परिचय दे। मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, संस्थापक श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन। हमारे सभी आए हुए अतिथिगणों को सामाजिक परिवर्तन मंडल नमन करता हूँ। जय भीम जिला छत्तीसगढ़ साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सरोज मिश्राम, सामाजिक परिवर्तन मंडल का एक सदस्य। ये 31वीं वर्षगांठ बाबा साहब अम्बेडकर के पवित्र दिन उनके लेकर उत्सव को लेकर के आज हाउसिंग बोर्ड कोका गार्डन परिषद में इस विशाल कार्यक्रम को आयोजित करने का, इसका मकसद है भाईचारा पैदा करना, राष्ट्र एकता और अखंडता, सभी जाति संप्रदाय के लोगों को एक धागे में पिरोना, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग भाईचारे को स्थापित करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भविष्य का जो सपना देखे थे कि आज का बेटा, आज की बेटी इस देश की तकदीर होगी, जब वो शिक्षित होगी, जब वो दहाड़ेगी, तो इस देश के राष्ट्र का निर्माण होगा। हमने एजुकेशन को आधार बनाकर, हमने आने वाले समय में कॉम्पिटिशन को आधार बनाकर के इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। हमारे इस कार्यक्रम में सम्मानीय श्रीवास्तव साहब का योगदान है। सामाजिक परिवर्तन मंडल उन्हें तहे दिल से उनका आभार गुजार करता है, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता है। साथियों, ये पहला अवसर है कि हाउसिंग बोर्ड कोका गार्डन परिसर में इतना विशाल कार्यक्रम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पवित्र जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इसका संदेश यह है, जन जन तक पहुँचने का संदेश है कि जन जन तक बाबा साहब की समानता, सुंदरता, बंधुत्व और न्याय लोगों तक पहुँच सके और सारे लोग इस भाईचारे की मिसाल बन सके। इसी आशा अपेक्षा के साथ हम सभी का शुक्र गुजार करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों
और समाज के वरिष्ठों का सम्मान भी किया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।